हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा ये होने वाला है दोस्तों बजाज मैक्सिमा सी ईटेक 12.0 के ऊपर आज का पूरा दोस्तों वॉक अराउंड होने वाला है। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको पूरा ये मालूम चलने वाला है डिटेल के अंदर कि इस गाड़ी का प्राइस कितना है, एक्सशोरूम प्राइस जैसे बोलते हैं, है ना, इसकी वारंटी कितनी आती है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं भरोसे की सवारी, दूर की सवारी बजाज कार्गो के रिव्यू के ऊपर, जिसमें दोस्तों बजाज ने क्या क्या भरोसा दिखाया पूरा वीडियो में आपको मालूम चलेगा, जिसमें दोस्तों आपको 5 इयर्स वारंटी बैटरी की मिलने वाली है या 1,20,000 किलोमीटर तक। वही दोस्तों बहुत कुछ आपके लिए इसके अंदर है। अगर आप नया ऑटो परचेस करना चाहते हैं तो आपको ये ऑटो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, चलिए वीडियो में आगे जुड़े रहिए। मैं आपको एक बार इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इन्होंने जो मडगार्ड है इसके अंदर भी दोस्तों मेटल का यूज किया है। तो एक तो दोस्तों पूरी बॉडी इसकी मेटल की है और उसका जो मडगार्ड है वो भी दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, पूरा मेटल का है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जो टायर देखने को मिलते हैं दोस्तों इसके अंदर 12 इंच के रेडियल टायर देखने को मिलते हैं दोस्तों, और जिसका टायर का साइज रहता है दोस्तों 130/80R 12 इंच के टायर आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आगे सस्पेंशन की, तो आगे दोस्तों सस्पेंशन के अंदर भी डबल शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उसे एक बेहतर अच्छा परफॉर्मेंस मिल पाए, आगे से दोची वगैरह गड्ढे में जाने पर गाड़ी को ड्राइवर को परेशानी नहीं हो। साथ में देखिए दोस्तों यहाँ पर जो उसकी विंड स्क्रीन है वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी चौड़ी है, जिससे कि ड्राइवर को आगे का व्यू देखने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। उसके साथ में दोस्तों आपको क्या मिलता है, सिंगर वाइपर मिलता है जो कि अच्छा खासा एक बारिश के मौसम में आपका साथ देता है, ड्राइवर को अच्छी विजिबिलिटी दिलवाता है ये। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दो हेडलैम्प हैलोजन के साथ में दी हुई है, जिनका नाइट के अंदर व्यू अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा दिखता है ड्राइवर को, जिससे कि अंधेरे की कोई लाइट की कोई समस्या नहीं रहती है। साथ में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में लेफ्ट साइड में यहाँ इंडिकेटर दिए हुए हैं जो कि एक लुक को और बेहतर बनाते हैं। अगर दोस्तों मैं मिरर की बात करता हूँ साइड मिरर की, तो देखिए काफ़ी चौड़े मिरर कर दिए हैं जिससे कि पीछे का जो व्यू है ड्राइवर को अच्छी तरीके से दिख पाए। जैसे कि इसका मेन बैटरी है, मेन बैटरी दोस्तों उसका जो है वो 11.8 किलोवाट का मेन बैटरी आपको मिल जाता है, जो कि 51.2 वोल्ट पर काम करता है। उसके साथ में दोस्तों यहाँ पर जो आप देखेंगे जो पीछे के टायर हैं बैक वाले, वो भी दोस्तों सेम है जैसे फ्रंट वाला टायर है, उसी तरीके से इसके पीछे के टायर दिए हुए हैं, 130/80R 12 इंच के टायर इसके अंदर इस्तेमाल किया गया। साथ में दोस्तों कंपनी ने इसके अंदर एक फीचर्स और दिया है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। जितनी बार आप दोस्तों गाड़ी का ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक को प्रेस करेंगे, उतनी बार दोस्तों गाड़ी के अंदर आपकी ऑटोमेटिकली रीजनरेट होकर बैटरी जो मेन बैटरी रहती है कुछ परसेंटेज उसमें चला जाता है, जिससे कि आपको एक बेहतर रेंज मिल पाती है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आपने और अदर कंपनियों की गाड़ियों को देखा होगा, तो उसके अंदर जो चार्जर रहते हैं दोस्तों उन्हें आपको साथ में लेकर कैरी करना पड़ता है, साथ में चलना पड़ता है, बट दोस्तों इस गाड़ी के अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर दोस्तों कंपनी ने जो चार्जर दिया है वो ऑनबोर्ड चार्जर दिया हुआ है, तो आपको अलग से चार्जर को साथ में लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये खाली क्या करना है, RCD का जो केबल रहता है उसको प्लग इन करना है, 16 एम्पीयर के सॉकेट के साथ वो हो जाता है, और गाड़ी के साथ में यहाँ कनेक्ट कर देना है, वो भी आपको मैं आगे चल के वीडियो में भी दिखाऊंगा। वही दोस्तों आपको इसके अंदर जो पावर मिलती है 5.5 किलोवाट पे कंटिन्यूसली पावर मिलती है। ग्रेडेबिलिटी दोस्तों आपको इसके अंदर 29% का देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों 36 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों इसके अंदर मैं बात करता हूँ सीवी शाफ्ट की, तो दोस्तों सीवी शाफ्ट जो उसके अंदर लगाए हुए हैं जिससे आपकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी मिलती है और लो मेंटेनेंस रहता है दोस्तों। वहीं इस गाड़ी का दोस्तों जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो 180 mm का आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है, जिसके अंदर दोस्तों एडवांस PMS मोटर का यूज किया गया है जो कि IP67 रेटिंग के दोस्तों सारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इसमें यूज किया गया है। वहीं दोस्तों आपको उसके अंदर एक फीचर और मिलता है जिसे हम बोलते हैं हिल होल्ड असिस्ट, जबकि गाड़ी आपकी ढलान से दोस्तों ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी वापस से पीछे की तरफ नहीं जाती है। वहीं दोस्तों गाड़ी कंपनी इसके अंदर आपको 7 फ्री सर्विस इसके अंदर प्रोवाइड कराती है, तो आपको भैया सर्विस की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ उस गाड़ी की लेंथ को लेकर, तो 3434 mm की यहाँ पे आपको लेंथ मिलती है। वहीं दोस्तों अगर बात करता हूँ विड्थ को लेकर, तो 1494 mm की आपको विड्थ इसके अंदर देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों उसके अंदर जो हाइट रहने वाली है 1832 mm, और व्हील बेस दोस्तों काफी बड़ा है, 2274 mm का व्हील बेस आपको देखने को इसमें मिल जाती है। चलिए दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं इसकी केबिन के अंदर और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर एक गेट रहता है इस तरीके से, और उसके बाद दोस्तों आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टिकर दिया हुआ है लेफ्ट साइड में 24/7 सड़क सहायता, जिस पे दोस्तों यहाँ एक नंबर दिया हुआ है 1800-210-0981। बजाज ने दोस्तों इस कंपनी के साथ में टाई अप किया हुआ है RSA के थ्रू, जिसमें कि आप अगर कभी भी बाई चांस गाड़ी मान लीजिए आपकी ऑफ रोड हो जाती है, उस केस में दोस्तों आपको इस टोल फ्री नंबर के ऊपर कॉल करना है, 24/7 ये सर्विस हाजिर रहती है। जब भी दोस्तों अगर आपकी गाड़ी बाई चांस मान लीजिए ऑफ रोड हो जाती है, तो ये आपकी गाड़ी को वहाँ से पिकअप लेंगे और जो डीलरशिप आपके नज़दीक में होगी वहाँ तक आपकी गाड़ी को लेकर जाएंगे, जिसका कोई चार्जेस आपसे ये नहीं लेंगे। एक साल के अंदर अगर 5 बार भी आपके संग ऐसा होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर बाय द वे आपकी गाड़ी कभी ऑफ रोड हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, यहाँ ड्राइवर सीट के नीचे आपको यहाँ पर दोस्तों स्टेपनी मिल जाती है,
उसके बराबर से दोस्तों आपको जैक मिल जाता है, अगर बाई चांस कभी गाड़ी आपकी पंक्चर हो जाती है तो वहाँ से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अंदर जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इग्निशन को ऑन किया तो देखिए यहाँ हैंडल बार के ऊपर ही एक तो आपको नया फीचर्स ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपका मोबाइल होल्ड कर सकते हैं, आप मोबाइल को रखने का यहाँ स्पेस दे रखा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ ड्राइवर के लिए टेबल लैंप का यूज़ दिया गया है जिससे नाइट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ में दोस्तों यहाँ पर दो कंट्रोल स्विच दे कर रखें, एक पे देखिए NDMR है और यहाँ ऑन ऑफ। तो ये वाला जो मेरा बटन है दोस्तों ये मेरा वाइपर के लिए होता है, वाइपर चेक करो चालू हो गया, ये यहाँ से बंद हो गया। यहाँ लेफ्ट साइड में दोस्तों अगर आप देखेंगे येलो कलर में ये मेरा हॉर्न के लिए रहता है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ हॉर्न वाले स्विच से ठीक ऊपर, ये मेरा इंडिकेटर के लिए रहता है राइट और लेफ्ट। उसके बाद दोस्तों मेरा जब गाड़ी देखिए अभी आप इग्निशन ऑन है, यहाँ न्यूट्रल की लाइट जल रही है। तो जैसे ही दोस्तों मैंने ब्रेक प्रेस करके हैंड ब्रेक उतारूंगा यहाँ से और गाड़ी को मैं अपने डी मोड में करूँगा तो यहाँ से देखिए मेरी गाड़ी डी मोड में आ जाएगी। ये मेरी गाड़ी डी मोड में आ गई, अभी ग्रीन कलर की लाइट जल रही है। इससे मैं ये मालूम चल रहा है कि हमारी गाड़ी इको मोड में है। गाड़ी के अंदर दोस्तों दो मोड दिए हैं कंपनी ने, एक दिया है इको मोड और एक दिया है पावर मोड। तो ये पहचानते कैसे हैं हम दोस्तों, तो जब डी अभी आपकी जो डी है उसका कलर हरा है तो उससे मालूम चल रहा है आपकी गाड़ी भी इको मोड में है। जैसे ही मैं दोस्तों उसमें पावर मोड लगाऊंगा तो देखिएगा आपकी जो कलर था ग्रीन वाला वो येलो हो गया, तो उससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भैया आपकी गाड़ी अभी कौन से मोड में चल रही है। ध्यान रखिएगा जब भी आपको दोस्तों लंबी रेंज चाहिए, गाड़ी का माइलेज अच्छा चाहिए तो आपको हमेशा गाड़ी डी मोड में चलानी चाहिए, यानी कि इको मोड में चलानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो आर है इसका मतलब होता है रिवर्स, यानी कि रिवर्स मोड में। ये देखिए जैसे ही मैंने गाड़ी को रिवर्स में किया यहाँ सिंबल आर का बना आ गया और गाड़ी मेरी पीप का साउंड आने लगा। तो ये फीचर्स काफ़ी अच्छा है दोस्तों, आपको आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं, कोई अलग से बटन वगैरह घुमाने का झंझट नहीं है। उसके बाद दोस्तों ये राइट साइड में आपको ये स्विच देख पा रहे हैं, ये मेरा हेडलैम्प और पार्किंग के लिए होता है। ये मेरी पार्किंग लैम्प चालू हो गई, सिंबल आ गया, इसके बाद ये मेरा हेडलैम्प ऑन हो गया। यह ठीक दोस्तों नीचे की तरफ राइट साइड में आप देखेंगे वाइट कलर का जो स्विच दे रखा है कंपनी ने, ये काफ़ी यूज़फुल होता है। दिखा दीजिए एक बार, मेनू लिखा है इस पर, यहाँ ऊपर दिखाइए, यहाँ अभी देखिए आपकी रेंज दिखा रहा है 142। जैसे ही मैंने वाइट वाले स्विच को प्रेस किया एक बार और तो यहाँ पर देखिए ओडो लिखा आ गया 10 किलोमीटर। एक बार और मैंने इसे प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए मेरा ट्रिप लिखा आ गया 10.8। उसके बाद मैंने एक बार और प्रेस किया तो यहाँ दोस्तों मेरा SOC लिखा आ गया 61%। और दोबारा से मैंने दोस्तों से एक बार और प्रेस किया तो मेरा यहाँ से रेंज दिखाने लगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैन्यू स्विच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड में दोस्तों कंपनी ने इसमें डैशबोर्ड के अंदर ही आपके स्पीकर के लिए सुविधा दी हुई है कि आप जो डेक वगैरह फिट कराते हैं, म्यूज़िक सिस्टम लगवाते हैं, तो यहाँ से दोस्तों दोनों साइडों में आप उनके स्पीकर को यहाँ इंस्टॉल करा सकते हैं। एक अच्छी चीज़ दोस्तों उसके डैशबोर्ड में मुझे ये भी लगी कि इसके डैशबोर्ड के अंदर दोस्तों कहीं भी आपको स्क्रू देखने को नहीं मिलेगा एकदम, जिससे फीलिंग एक अच्छी आती है। विदाउट स्क्रू वाला इसमें डैशबोर्ड का यूज़ किया गया है। यहाँ पर दोस्तों ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर आप अपने पेपर वगैरह कैरी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो स्विच मिलते हैं, एक में आपको हजार्ड स्विच है जिससे चारों इंडिकेटर हमारे एक साथ ऑन हो जाते हैं। ऊपर क्लस्टर मीटर में दिखा दीजिए चारों इंडिकेटर आपके एक साथ जल रहे होंगे। और ठीक उसके दोस्तों बराबर में जो स्विच दिया हुआ है यहाँ पर ये देखिए जिस पर वाइट कलर का डॉट रहता है, जैसे दोस्तों आप कभी अगर गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगाते हैं तो उसका कनेक्शन आपको यहाँ से कराना होता है स्विच से। वायरिंग के अंदर कभी भी कटपिट नहीं करानी है जिससे कि आपकी गाड़ी के अंदर वायरिंग का कोई भी इशू गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिले। लेफ्ट साइड में अगर दोस्तों मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे को हैंड ब्रेक दिया हुआ है जो कि आसानी के साथ आप उसका यूज़ कर सकते हैं, बड़ा ईजी है। एक हैंडल बार के ठीक नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ 12 वोल्ट का DC दोस्तों चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है यहाँ पे, जिसमें आप अपना मोबाइल वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस रखने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक दे रखा है, जैसे आप मान लीजिए कोई नट बोल्ट वगैरह या कोई मान लीजिए कुछ भी छोटा मोटा सामान आपको रखना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों जब आप देखेंगे यहाँ राइट साइड में जो ब्लैक कलर के अंदर दोस्तों यहाँ पर टेलीमेटिक्स का यूज़ किया गया है जो कि दोस्तों आपको अपने मोबाइल के अंदर ही आपके मोबाइल के अंदर ये मालूम रहेगा कि आपकी गाड़ी कहाँ पर ड्राइवर अभी चला रहा है, गाड़ी के अंदर कितना परसेंट बैटरी बचा है, गाड़ी के अंदर अभी रेंज कितनी है, गाड़ी कितने किलोमीटर और चल सकती है। इस टेलीमेटिक्स का यूज़ दोस्तों आपका एक मोबाइल अपने आपको अपने मोबाइल पर ही मालूम चल जाएगा। कैसे मालूम चलेगा? आपको अपने मोबाइल पर ही प्ले स्टोर से दोस्तों मेरा बजाज ऐप को डाउनलोड करना है, जिसके अंदर दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद सारे फीचर्स ये आ जाते हैं कि आपकी गाड़ी अभी इस समय कहाँ पर है, नियरेस्ट में पास में चार्जिंग पॉइंट कहाँ पर है, डीलरशिप नियर पास में सर्विस सेंटर कहाँ पर है। तो दोस्तों आप उसका भी फ़ायदा अपने मोबाइल के यूज़ से उठा सकते हैं। दोस्तों अपना जो XL कार्गो है इसके अंदर दोस्तों जिस बैटरी का यूज़ किया गया है वो बड़ी बैटरी है, 11.8 किलोवाट की बैटरी का यूज़ इसके अंदर किया गया है क्योंकि ये XL कार्गो है। और इससे एक छोटा वाला मॉडल भी आता है जिस गाड़ी के अंदर दोस्तों 8.9 किलोवाट की बैटरी का यूज़ किया गया है। जाहिर सी बात है इसके अंदर 11.8 किलोवाट की बैटरी का यूज़ किया गया है तो दोस्तों हमें इसमें रेंज भी ज़्यादा मिलने वाली है। तो दोस्तों रेंज कितनी ज़्यादा मिलने वाली है वही दोस्तों मैं इसके ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आपको पूरा डिटेल में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि स्टार्टिंग से लेकर कि आपकी गाड़ी 100% चार्जिंग में कितने किलोमीटर चल पाती है।
तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसा यूज़फुल कंटेंट जब भी हम आपके लिए लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए यूज़फुल वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।